आगे बढ़ रहे हैं गुजरात की ओर। सबसे पहला मंदिर नंदीग्राम लिखा हुआ है, आई थिंक गांव है शहर है वो आपको बताएंगे हम। तो सबसे पहला जो मंदिर है गुजरात में दर्शन करने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर मंदिर है गुजरात का पहला मंदिर, जैन मंदिर। सभी देवी देवताएं हैं यहाँ पर, इस प्रकार से बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशाल मंदिर है। और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं और आगे की यात्रा हमारी इसी प्रकार से जारी रखते हैं। तो जय महावीराय नमः, और सभी जैन जो गुरु रहे हैं उनको प्रणाम करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों गुजरात में हम आ चुके हैं, जैसे गुजरात में अंदर एंट्री करी तो नंदीग्राम का बोर्ड लगा हुआ था, और सबसे पहला जो मंदिर है वो ये मंदिर सामने आप देख रहे होंगे। हालांकि जैन मंदिर है लेकिन बाकी सब भी मूर्तियां हैं यहाँ पे सभी भगवानों की, और जैन हो या फिर बौद्ध हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो सभी भगवान एक ही है। तो भगवान से दर्शन लिए और भगवान से आशीर्वाद लिए कि भाई हमारी जो यात्रा है वो सुगमतापूर्वक चलती रहे, कष्ट ना हो ऐसा तो नहीं कह सकते हाँ, लेकिन उस कष्टों से परेशानियों से लड़ने का साहस दे, ऐसी भगवान से हमने प्रार्थना की। तो गुजरात का जो पहला मंदिर है वो यह मंदिर है, जैन मंदिर, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भव्य है। तो ये भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। तो ये आप मंदिर देख सकते हैं, ये कितना सुंदर मंदिर है। नंदीग्राम का जहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं और भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। और जैसे ही मंदिर के बाहर आए तो बोर्ड देखा, मंदिर का नाम देखा, स्थान देखा, और नीचे ही बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पे भोजन प्रसादी मिलती है, बहुत ही कम रेट में बहुत ही सात्विक भोजन मिलता है, मुझे किसी ने कहा भी था, इस कारण से वापस आए और बहुत ही पौष्टिक भोजन ग्रहण किया। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही पौष्टिक भोजन था, संपूर्ण भोजन, संपूर्ण गुण जो आहार होना चाहिए वो यहाँ पे था। तो आज का हमारा दूसरा भोजन है कंटिन्यू में, जो हम जैन मंदिर में कर रहे हैं। पौष्टिक भोजन में दाल है, छोले की सब्जी है, चौली है जिसको बरबट्टी भी कहते हैं, घी वाली अच्छी रोटी है, पौष्टिक गुड़ है, और नमकीन कह सकते हैं समोसे जैसा बना हुआ है, और हलवा है, ककड़ी है जो कि शुद्ध घी से बनी हुई है। तो इतना बढ़िया पौष्टिक भोजन केवल 85 रुपीज़ में, हमें कहा भी गया था कि आप अगर जैन मंदिर में करेंगे तो अच्छा है। तो भगवान का प्रसाद मिल गया और इसी प्रसाद के कारण हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।